प्रश्न आज हम फिर से एसएससी सीएचएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए। हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट का ही हमारा क्वेश्चन है, ठीक, 2023 का। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी ओपन, अब यहाँ देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, इसमें सेम यही बात बोली गई है कि अगर आप सेंटेंस को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए क्या सेंटेंस में एरर, जो अंडरलाइन पार्ट्स है जो ब्रैकेट में है उसमें एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो उसको ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करके उसको राइट बनाइए, अगर एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट में टिक कर दिए, ठीक। आइए देखते हैं, देखिए कह रहे हैं वी हमने जो है ओपन, अब देखिए ओपन का मतलब यहाँ क्या है, हमने खोल दिया या यहाँ प्रारंभ कर दिया करने के सेंस में है, ऑन अ न्यू ट्रेवलिंग वेन्यू, ठीक। इसका मतलब ही ये कहना चाह रहा है कि हमने एक नई यात्रा शुरू की, ठीक, इस सेंस में हमारा सेंटेंस है, ठीक। अब आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है, तो हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे क्या है, ऑन न्यू ट्रेवल वेन्यू, मतलब एक नई जो है यात्रा, अब नई यात्रा हमें पता है नई यात्रा को शुरू किया जाता है, ओपन खोला नहीं जाता, कह रहे हम यहाँ पर नई यात्रा को खोल नहीं रहे हैं बल्कि हम यहाँ पर नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बात शुरुआत की है, ओपन करने के सेंस में नहीं, नई यात्रा को खोला नहीं जाता, नई यात्रा को शुरू किया जाता है, तो ओपन ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा नो इंप्रूवमेंट में तो नहीं जाएगा, ठीक। जब नो इंप्रूवमेंट में नहीं जाएगा तो ऑप्शन ए जो आ गया कि ये कह रहा है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि यहां रिक्वायर्ड है, ठीक। अब देखिए यहां अब ये बात हमें करना है शुरू करना, तो हमें पता है शुरू करना इनिशिएट का मतलब भी शुरू होता है, बिगिन का मतलब भी शुरू होता है, एम्बार्क का मतलब भी शुरू होता है, तो तीनों में अंतर क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे बिगन, बिगन का मतलब क्या होता है, कह रहा है यहाँ पे स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम कोई चीज़ शुरू करना करने के लिए, या फिर कह रहा है कि टू डू फर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग, या भी किसी कोई काम आपको दिया गया उस काम का एकदम पहला पार्ट को शुरू करने को हम क्या बोलते हैं, बिगन बोलते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं नॉर्मली कोई काम दिया गया है उस काम का जो पहला पार्ट है उसको जब आप शुरू करते हैं उसको करने के लिए तो उसके लिए हम बिगन का यूज़ करते हैं, ठीक। दूसरा क्या आया है यहाँ इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब भी शुरू होता है, लेकिन इनिशिएट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, किसी इंसान को कोई चीज़ एक्सप्लेन करके बताना होता है, कोई चीज़ समझाने के लिए जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उसको इनिशिएट कहते हैं, या फिर टू मेक समबडी एक्सपीरियंस, या किसी इंसान को अनुभव कराना समथिंग किसी चीज़ के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, या तो किसी इंसान को आप पहली बार किसी चीज़ को अनुभव करा रहे हैं, कोई चीज़ उसको पहली बार बता रहे हैं, उसको पहली बार फील करा रहे हैं, तो पहली बार के लिए जो कोई चीज़ जो शुरू हुई है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इनिशिएट बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए आ गया क्या है, यहाँ पे एम्बार्क्ड आ गया, एम्बार्क्ड का मतलब क्या होता है, टू गेट ऑन अ शिप, किसी शिप पे क्या करना, किसी शिप पे यात्रा के लिए बैठना या उस पे चढ़ना या किसी शिप से यात्रा करना, तो शिप से यात्रा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यह एम्बार्क, उसका एम्बार्क का रिलेशन है यात्रा शुरू करने से। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या बोला है, यहाँ कह रहा है ट्रेवल वेन्यू, नई यात्रा, तो हमें पता है यात्रा से रिलेटेड तो एक ही वर्ड है और वो कौन सा है, एम्बार्क, क्योंकि यही है जो क्या कर रहा है, कोई जर्नी को शुरू करने की बात हो रही है, जब किसी जर्नी की शुरू करने की बात होती है तो उसके लिए हम इनिशिएट बिगिन यूज़ नहीं करते बल्कि एम्बार्क्ड यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारा डी नंबर यहां पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो यहां ओपन ना होकर लिखेंगे हम यहां पे एम्बार्क्ड, तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस वी एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू ट्रेवल वेन्यू, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर रहेगा।